अब मैं आपके सामने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी जारी करना चाहता हूँ जो आज ऑलरेडी नॉमिनेशन कर चुके हैं। तो आज फर्स्ट फेज में हमारे 14 प्रत्याशियों ने जो है वो नॉमिनेशन किया है। मैं अगर आप आज्ञा दें तो मैं 14 नाम पढ़ना भी चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले श्री अमित सिंह मुखिया काराकाट रोहतास जिला, श्री रवि पटेल कारागार रोहतास, श्री सत्येंद्र अमित्य कतियान दिनारा रोहतास, श्री नीरज पाठक ब्रह्मपुर बक्सर, श्री दिवाकर चौबे भवुआ कैमूर, श्री इंद्रजीत राम मोहनिया एससी सीट कैमूर, श्री धर्मेंद्र सिंह चैनपुर कैमूर, श्री मुन्ना पासवान अगियाओं एससी भोजपुर, श्री दलित कुमार सिंह आरा भोजपुर, श्री मंजीत कुमार शाह बनहरा भोजपुर, श्री मनमोहन सिंह संदेश भोजपुर, श्रीमती अबीता देवी टिकारी गया, श्री दीपक आनंद गया सिटी गया, श्री भीम प्रसाद चंद्रवंशी गुरुवा गया। ये 14 प्रत्याशी पहले फेज के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। आप सबका आशीर्वाद इनको मिले और ये जीते, अपनी खाट बिछाएं और दूसरों की खटिया खड़ी करें। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि इस समय देश के अंदर मेरा मन नहीं था कि मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करूं, लेकिन आज जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ कागजों में रह गई है। इस समय देश के अंदर दुष्ट सरकार है। आज हमारे अनेक प्रत्याशियों को पर्चा भरने से वंचित किया गया सरकार के द्वारा। सरकारी जो कुर्सी पर नौकरी करने के लिए बैठे हुए हैं उन्होंने जो है आज सरकार का पट्टा पहनने के कारण जो है उनकी तरफदारी करी और हमारे साथ अन्याय करते हुए हमारी दो महत्वपूर्ण सीटों पर, दोनों की दोनों जो है एससी सीट थी, एक रोहतास जिले की चिनारी सीट, उस पर जो है हमारे प्रत्याशियों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, और एक जो है औरंगाबाद जिले की क्या सीट नाम है कुटुंबा, कुटुंबा पर हमारे प्रत्याशियों को सही टाइम पर अंदर जाने के बाद भी हमने उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी बनाई है, एडीएम साहब ने जो है नामांकन लेने से मना कर दिया। तो इस समय देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनी हुई है जो अपने काम के दम पर जो है सत्ता में वापसी नहीं चाहती, वो मशीनरी का उपयोग करके दोबारा से सत्ता में आना चाहती है। उसका मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है खुल्लम खुल्ला। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था पहले मानी जाती थी, मैं उसको आज स्वतंत्र संस्था मानने से भी बिल्कुल इनकार करता हूं। और लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अगर चुनाव की घोषणा होनी थी तारीखों की तो लोगों को और पत्रकारों को यह मालूम था कि किस दिन होगी। लोगों ने कहा क्योंकि मोदी जी का प्रोग्राम उस दिन है तो उससे पहले तो हो नहीं सकती है, वो तो उसके बाद ही होगी। तो इससे क्या जाहिर होता है कि चुनाव आयोग पहले मोदी जी से पूछता है कि चुनाव कराएं या नहीं कराएं, और कराएं तो किस तारीख से कराएं। या नीतीश जी का प्रोग्राम उस दिन लगा हुआ है तो उससे पहले तो घोषणा नहीं हो सकती, और जो आप सोचते हैं वो सत्य भी साबित हुआ, ये आप लोगों ने देखा भी होगा साफ साफ बिल्कुल। तो देश के अंदर इस समय लोकतंत्र की हत्या जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के वजह से अगर वोट प्राप्त करे तो देश की तरक्की होती, लेकिन दुर्भाग्य है कि एनडीए की सरकार देश के अंदर दंगे कराकर, हिंदू मुसलमान कराकर, जातिवाद कराकर, इन सब के माध्यम से सरकार बनाने का प्रयास करती है। इन्होंने बहुत सारे राजनीतिक दल अपने पैसों से फंड देकर बनवाए हुए हैं। एक ओवैसी जी है नेता, वो कभी देश और हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, उससे क्या परिणाम निकलता है,
कि उनके प्रति जो है कुछ मुसलमान भाई उनकी बातों में बहकावे में आकर लामबंद हो जाते हैं। गाली तो वो मोदी जी को देते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं वो बहकावे में आकर उल्टा मोदी जी का समर्थन करने लग जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये तो उनका पाला हुआ है, पट्टा डला हुआ है, जितने पैसे अकाउंट में जाते हैं उतना ही वो मोदी जी को गाली देने लगता है। ऐसे ही कुछ दलित समाज के भाइयों के भी राजनीतिक दल फंडिंग करके भाजपा के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है वो कमजोर किया जा सके, या कुछ जो क्षेत्रीय दल है उनके वोट बैंक को तोड़ने के लिए नई नई पार्टियां बनवाई जा रही हैं, उनके पीछे से फंडिंग कराई जा रही है। मीडिया वालों को भी इशारा किया जाता है कि इनकी न्यूज चलानी है चाहे उनके पास दो वोट भी ना हो। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि यहां बिहार प्रदेश की जो चार पांच जिनकी न्यूज आप रोज चलाते हो, ये शेर सिंह राणा आपके सामने बोल रहा है अकेले अकेले चुनाव लड़ने जैसे हमारी पार्टी लड़ रही है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसको कितनी वोट मिलेगी। लेकिन जानबूझ के पीछे से जो है उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाता है, और इसके कारण प्रदेश की जो असली समस्याएं हैं उससे कभी हल नहीं हो पाता होगा। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप महसूस करेंगे कि जितने भी ये राजनीतिक दल हैं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, क्या कोई किसी की स्टैंडर्ड है? क्या कोई किसी का मैनिफेस्टो है? पिछली बार आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े, भाजपा उनके विपक्ष में थी। आज भाजपा और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो एलजेपी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, ये कौन सा गठबंधन है? आज जो व्यक्ति, मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार प्रदेश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं, जो व्यक्ति मोदी जी को नेता मानकर मोदी जी के लिए वोट करेगा और वो ये सोचेगा कि मैं लालू जी को वोट ना करूं, तो मैं बता दूं कि इस भारतीय जनता पार्टी का कोई ईमान धर्म नहीं है। हो सकता है चुनाव के बाद ये लालू जी के साथ ही मिलकर सरकार बनाए। जो व्यक्ति नीतीश जी को वोट करेगा कि भाई लालू प्रसाद जी नहीं आने चाहिए, तो चुनाव के बाद कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश जी और लालू जी दोनों मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। जो व्यक्ति लालू जी को वोट करेगा कि भाई नीतीश कुमार जी ने बहुत परेशान कर दिया 15 साल से, बिहार को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया, तो कोई भरोसा नहीं है कि लालू जी सपोर्ट करके नीतीश जी को ही सीएम बनाते। इसलिए ये गठबंधन नहीं है, ये सब ठग बंधन है। वीआईपी पार्टी का चरित्र क्या है? जो 2 साल से उनके साथ बैठे हुए थे आरजेडी कांग्रेस के साथ, आज वो एनडीए में बैठे हुए हैं, क्या इनका कोई चरित्र है? सिर्फ चरित्र एक है कि मुझे सत्ता दे दो बस। इनके जो समर्थक हैं उन भाइयों को, बहनों को, माताओं को विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति 2 साल से 4 साल से किसी के काम के ऊपर आरोप लगाता है और अगले दिन ही उसकी गोद में जाके बैठ जाता है, तो क्या वो समाज के लिए कोई कार्य कर सकता है? उसका क्या चरित्र है? उसको तो सिर्फ अपना सत्ता चाहिए, टिकट बेचने के लिए थोड़ी सीटें चाहिए। तो बहुत जरूरी है लोगों राजनीतिक दल का एक चरित्र समझने और देखने के लिए। इसीलिए अनेक गठबंधन से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या को ऑफर आई कि आप गठबंधन में हमारे साथ शामिल होइए, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने मिलकर यह फैसला किया कि हमारा एक मैनिफेस्टो है, अगर हमारे विचार दूसरी पार्टी से, दूसरे राजनीतिक दल से मेल खाएंगे तो तभी हम आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा तो जीत हो चाहे हार हो हम समाज और राष्ट्र के प्रति जो है वफादारी से अपना कार्य करते रहेंगे, कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है अपने मीडिया बंधुओं से कि आप एक चौथा स्तंभ है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आप जनता को इस ठग बंधनों से छुटकारा दिलाइए, क्योंकि
नीतीश जी आज बोलते हैं कि 15 साल लालू जी ने बेड़ा गर्क कर दिया, तब उन्होंने नहीं सोचा था जब पिछली बार चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा था। आज आरजेडी बोलती है कि नीतीश कुमार जी ने बेड़ा गर्क कर दिया, तो तब नहीं सोचा था जब उसी में जो है कई कई मंत्रालय लिए हुए थे आपने सरकार के अंदर।